दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बाइक टैक्सी चलाने वालों और इससे चलने वालों को लगा है बड़ा झटका। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई को पूरा किया जाए। हाई कोर्ट ने इससे पहले, आपको बता दें, पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पे केस के दौरान उबर के वकील की ओर से दलील दी गई कि 2019 से ही भारत के कई राज्यों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल बाइक टैक्सी सर्विस के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने सुनवाई कर रही बेंच को बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर किसी तरह का प्रतिबंध यानी बैन नहीं है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि दोपहिया वाहन के लिए केंद्र ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार इसका उपयोग कमर्शियल यूज के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो और ओला उबर जैसी कंपनियों को झटका देते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनने तक ये रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल बाइक टैक्सी पर राष्ट्रीय राजधानी यानी देश की राजधानी में प्रतिबंध ही रहेगा।